हाय एवरीवन, ये जो आप देख रहे हैं ये दिखने में कुछ कुछ लौकी का कोफ्ता ही लग रहा है, लेकिन ये लौकी का कोफ्ता नहीं है। ये लौकी से बनाई गई एक ऐसी डिश है जो ना आपने कभी खाई होगी और ना ही कभी आपने सोची होगी कि लौकी को इस तरह भी बनाया जा सकता है। क्या होता है ना कि जो भी हम अपनी मम्मियों को देखते हैं कि वो जिस तरह से लौकी के कोफ्ते बनाती हैं, तो हम भी वही हमेशा ट्राई करने की कोशिश करते हैं, कभी भी नया कुछ नहीं सोचते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ सामान नहीं होने पर हम कुछ चीज़ें ट्राई करते हैं और वो हमारी सक्सेस हो जाती है, तो हम वो चीज़ें बार बार बनाने लग जाते हैं। उसी तरह से मैंने ये लौकी की सब्ज़ी बनाई है। उसके लिए मैंने एक बड़ी लौकी ले ली है, उसको हम कद्दूकस कर लेंगे इस तरह से। ये सब्ज़ी बहुत ही जल्दी बनती है और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत अच्छी लगने वाली हैं। तो ये हमने कद्दूकस कर लिया। अब इसको थोड़े से गर्म पानी में बॉईल करने के लिए रखेंगे। बहुत ज़्यादा पानी में हमें लौकी को बॉईल नहीं करना है, क्योंकि जितना भी पानी इसमें से निकलेगा वो हमें ग्रेवी में यूज़ करना है। इसलिए कम से कम पानी में लौकी को बॉईल करना है। एक तरफ हम प्याज और लहसुन का पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं और एक टमाटर की प्यूरी बना लेते हैं। अब हम चलते हैं लौकी की तरफ। लौकी हमारी हल्की सी बॉईल हो गई है। अब हम इसको छलनी में छान लेंगे। इसका सारा पानी एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसको किसी बड़े चम्मच से इसको दबा दबा कर आप इसका सारा पानी निकाल दीजिए। और थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए तो आप हाथों से भी इसको दबा कर सारा पानी निकाल सकते हैं, या कोई भी क्लॉथ में इस लौकी को डाल के पानी निकाल सकते हैं। अब हमने इसका सारा पानी निकाल लिया है। अब इसमें अदरक और हरी मिर्ची डालेंगे और इसमें एक चम्मच नमक डाल देंगे। नमक के बाद भी अगर पानी इसमें से निकलता है तो आप हाथों की सहायता से उसको निकाल सकते हैं। अब इसके छोटे छोटे से बॉल्स हम तैयार कर लेंगे। इसमें हम बेसन नहीं मिला रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ज़्यादातर लोग कोफ्ते बनाने के लिए बेसन मिलाते हैं, जिससे कि बाइंडिंग करने के लिए वो हेल्पफुल होता है। अब हम लेते हैं एक बर्तन में कॉर्न स्टार्च या कॉर्न फ्लावर। अब ये सारे जो बॉल्स हमने तैयार किए हैं लौकी के, ये इसमें डाल देंगे। और इस तरह से डालने के बाद हम इसी बर्तन से इसको चारों तरफ घुमा के एक कोटिंग तैयार कर लेंगे ऊपर। अब इसे हाथों में लेकर अच्छे से बॉल्स तैयार करेंगे, जिससे कि वो अच्छे से चिपक जाए, और साइड में रखते जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो लौकी के अंदर का थोड़ा बहुत पानी है वो ये सोख लेगा, और थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा गीला लगेगा जब आप इसे फ्राई करने जाएंगे। उसके लिए उसको सेट होने के लिए थोड़ी देर के लिए रखना पड़ता है। तो 5-10 मिनट के लिए हम इसे सेट होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम अपना तवा गर्म करते हैं और उसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। अब आप यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि मैंने यहाँ पर तवे पर जितना भी तेल डाला है ये बहुत ही कम तेल में सिक जाएंगे और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। लेकिन लौकी का कोफ्ता हमेशा ही डीप फ्राई होता है, और तभी वो बनता है क्योंकि उसके अंदर जो बेसन होता है वो तभी अच्छे से पकता है जब तक कि हम उसे डीप फ्राई नहीं करेंगे। इसलिए लौकी के कोफ्ते ज़्यादातर घरों में कम बनाए जाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा तेल लगता है। इसलिए इस सब्ज़ी को बनाना काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि ये कम से कम तेल में बनाई जाती है और ज़्यादातर लोग कम तेल का खाना पसंद करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा एक भी कोफ्ता टूटा नहीं है और अच्छे से ये ब्राउन हो रहे हैं। कम से कम तेल में ये चारों तरफ से सिक रहा है, ये अंदर से कच्चा भी नहीं रहेगा क्योंकि इसके अंदर बेसन नहीं, और हमारी लौकी थोड़ी सी पकी हुई थी। देखिए इसका कितना अच्छा कलर आया है, और मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि इसमें कितना तेल यूज़ हुआ है। हमने जितना तेल डाला था उसमें से सिर्फ एक चम्मच तेल इसमें यूज़ हुआ होगा, और बाकी सारा तेल आप देख सकते हैं कि तवे पर ही है। तो इस तरह से हम लौकी के कोफ्ते तैयार करेंगे कम से कम तेल में, और आप इस रेसिपी को बार बार बनाकर खा सकते हैं क्योंकि ये कम से कम तेल में तैयार हुई है। अब हम लौकी के पकौड़ों को एक प्लेट में निकाल लेंगे और जितना बचा हुआ तेल है इसको दूसरे पैन में डालकर हम सब्जी में यूज़ कर लेंगे।
अभी इसको बनाने की रेसिपी देखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वैसे नहीं बनता जैसे कि लौकी के कोफ्ते बनते हैं। एक पैन में तेल गरम करके थोड़ा सा जीरा डालकर लहसुन प्याज का पेस्ट हमने डाल दिया है। इसको थोड़ा सा चलाते हुए हम भुनेंगे, और भुनने के बाद हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। हल्दी डालने के बाद हम इसमें 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे कि हमारा मसाला जले नहीं, और इसको चलाते हुए हम भूनेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 टमाटर की प्यूरी बनाकर, और इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसमें तेल नहीं आ जाता। अब ये मसाला हमारा भून चुका है, अब इसमें हम थोड़ा सा 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। चाहे तो इस जगह पर आप वो वाला पानी ऐड करिए जो कि लौकी में से निकला है। इसको हम थोड़ा सा बीच बीच में ढक कर पकाएंगे, और ये हमारी ग्रेवी अब हो गई है तैयार। अब एक कटोरी लेंगे, उसमें लौकी के कोफ्ते डालेंगे जो कि नए स्टाइल में तैयार किए गए हैं, और उसके ऊपर हम डालेंगे ग्रेवी जिससे कि हमारे लौकी के कोफ्ते ज़्यादा घुले नहीं और एक शेप में बने रहें। क्योंकि जब भी हम लौकी के कोफ्ते डायरेक्ट ग्रेवी में डालते हैं तो वो सारा पानी उसमें से सोख कर लेते हैं, तो इसलिए इसको तुरंत ही सर्व किया जाता है। डायरेक्ट आप रखिए बोल में लौकी के कोफ्ते और ऊपर से डालिए ग्रेवी, या फिर आप इस तरह से डाल सकते हैं और तुरंत ही इसको सर्व करके इसको एंजॉय कीजिए। अब आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि ये आपको लौकी की नई रेसिपी कैसी लगी, और इसको ट्राई करिए और क्या रिजल्ट आता है, आपको वो खाने में कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।